यूथ किसी भी समाज की रीढ़ की हड्डी होंगी। इसलिए पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी ने यह सुपना देखा कि पंजाब का यूथ अपने किरत ते सिक्ख्या दे ले अपना सब कुछ वेच वट के विदेशों ना दौड़े, सगो पंजाब नू ही एशिया ते अफ्रीका दे ले उच्च सिक्ख्या दे वड्डे केंद्र वजो स्थापित किया जाए। युग बदल गया है, किरत कमाई उत्पाद के साधन ते तौर तरीके भी बदल चुके हैं, पर अफसोस साड़ी सिक्ख्या प्रणाली ना बदली। जिस किस्म की वर्कफोर्स साढ़े समाज और संगत को चाहदियाँ सी वो साड़ी यूनिवर्सिटियां पैदा ही नहीं कर पाई, तो जो पैदा कर रही हैं उसकी किसी को लोड़ ही नहीं। सिक्ख्या का समाज और सिरजना नाल कोई लेण देण ही नहीं रहा। बेकारी, नशा, जुर्म और प्रवास की दलदल में फसी हुई यूथ को खुशहाली के राहों पर पाने लई अज सिक्ख्या प्रणाली के क्रांतिकारी तब्दीली की लोड़ महसूस की जा रही है। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टैक्निकल यूनिवर्सिटी बठिंडा ने इस चुनौती को स्वीकार करदिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर एक अजिहे प्लेटफॉर्म, प्रोटोकॉल और ईकोसिस्टम का निर्माण किया है जिथे सिक्ख्या, ज्ञान उत्पादन, किरत कमाई, सिरजना, एंटरप्रेन्योरशिप और खुशहाल जीवन को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। यह प्लेटफॉर्म केवल सैकड़िया की गिणती में नवीं विकसित हो रही टैक्नोलॉजी की ट्रेनिंग और सिक्ख्या ही नहीं दिता, सगो इस ट्रेनिंग के आधार पर घर बैठिया ही दुनिया के किसी भी मुल्क या शहर में रिमोट जॉब करने की सहूलत भी उपलब्ध करवाता है। जिहड़े उत्साही नौजवान कोई कम धंधा शुरू करने के इच्छुक होण, उन्होंने संबंधित धिरां नाल जोड़ के इनक्यूबेशन और खोज दियां तमाम सहूलतां भी प्रदान कर दिंदा है। माई ओपन केस के नाम से सिख्यार्थियों लई डिजिटल रिज्यूमे और सिरजनात्मक वस्तुआं ते सेवावां लई मार्केट स्पेस भी निर्मित की गई है। भारत की आज़ादी के 75वें महोत्सव मौके 75 सर्टिफिकेट कोर्सां के रूप में महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टैक्निकल यूनिवर्सिटी बठिंडा द्वारा प्रदान की जाण वालियां यह अदुत्ती विद्यक सेवावां केवल पंजाब के विद्यार्थियों नूं ही नहीं हर किसी नूं हर थां हर वक्त बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध रहेगी। नवे संसार दीआं नवीआं विद्यक लोड़ां की पूर्ति लई यह नवीं सेवा निश्चय ही पंजाब की दुनिया एक वड्डी देण होगी।